بسم الله الرحمن الرحيم. आप जैसी तरबियत कर सकती हैं अपनी औलाद की, बाप नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा काबिल बाप भी अपने बच्चों के किरदार पर वो असर नहीं छोड़ता जो माँ छोड़ती है। और बिल्कुल सही कहा था मौलाना अमरीन साहब ने, जितने कामयाब अफराद दुनिया की तारीख में बने हैं, आप मुहद्दिसीन की तारीख देखो, आप मुफस्सिरीन की देखो, आप फुकहा की देखो, आप मशायख सूफिया की देखो, आप उदबा की देखो, जितने भी जिंदा दिल और मुअस्सिर शख्सियात दुनिया में पैदा हुई हैं, उनकी तरबियत में उनकी माँ का हिस्सा उनके बाप से अक्सर ज़्यादा रहा। एक मिसाल पेश करता हूँ, यहाँ जितने हजरात बैठे हैं स्टेज पर, ये एक शख्सियत की मोहब्बत में 100% मुत्तफिक है, और वो नाम है शेखुल मशायख सैयदुल अवलिया बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। अजीब शख्सियत गुजरी है बायजीद बस्तामी की। कोई हदीस की और तसव्वुफ के किसी सिलसिले, कोई सिलसिला बायजीद बस्तामी को नजरअंदाज करके रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक नहीं पहुंचता। अजीब खसूसियत हासिल है। ये बायजीद बस्तामी को इस मुकाम तक पहुंचाया किसने था? उनकी बेवा माँ ने। वो माँ जो बेवा हो गई थी जब ये बच्चे छोटे से था, ये बायजीद छोटे से थे उस वक्त, वो बेवा हो गई थी और वो अपना और अपने यतीम बच्चे का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में कामकाज करती थी। वो अजीम खातून, जब बच्चा बड़ा हो गया, गलियों में खेलने लगा, तो उनकी माँ को ये डर लगा कि कहीं बच्चा बिगड़ न जाए उल्टे सीधे बच्चों के साथ खेलने उठने बैठने की वजह से। पता लगाया उस माँ ने कि मैं क्या करूँ, मेरी तमन्ना और मेरे मरहूम शौहर की यही तमन्ना थी कि मेरा बेटा वली ये कामिल बने, आलिम रब्बानी बने। चुनांचे लोगों ने बताया कि फला एक शेख हैं, एक बहुत ही सालेह मुरब्बी हैं, वो फला मस्जिद में एक मदरसा चलाते हैं, वहाँ कुछ बच्चे उनके साथ रहते हैं। अब तक का तजर्बा है कि जो बच्चा वहाँ रहा है बहुत नेक बन गया। वो बेचारी बेवा औरत अपने यतीम बच्चे को लेकर पता पूछते पूछते उन शेख के पास पहुँची, सलाम किया, ना तारुफ कराया, हज़रत मैं गरीब बेवा औरत हूँ, ये मेरा यतीम बच्चा है, मेरे मरहूम शोहर की भी ये तमन्ना थी और मेरी भी कि ये अच्छा आलिम बन जाए, पूछते पूछते आपके पास हाजिर हुई हूँ, इसको अपने कदमों में जगह दे दीजिए, रख लीजिए और इसको आलिम अल्लाह वाला बना दीजिए। बहुत मुतासिर हुए वो शेख, कहा बहुत अच्छा, छोड़ जाओ, मैं अपनी सी पूरी कोशिश करूँगा। जाते जाते उस औरत ने एक अजीब किस्म की दरख्वास्त और पेश की। उसने कहा, हजरत एक गुजारिश और है, पहली बार ये बच्चा अपनी माँ की गोद से निकलकर कहीं बाहर आकर रहेगा, इसे मेरी याद बहुत सताएगी, जल्दी जल्दी ये छुट्टी मांगेगा, मेरी दरख्वास्त ये है कि आप इसे छुट्टी मत दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास आएगा इसकी तवज्जो बढ़ जाएगी, मेरे पास तो आप इसको तब भेजिएगा जब ये अल्लाह का वली बन जाए। उन्हें बहुत हैरत हुई कि अजीब अल्लाह की बंदी है, बहुत कदर आई। उन्होंने कहा कि बहन, तुमने बहुत बड़ी बात कही है, जाओ दुआ से मेरी मदद करना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। वो चली गई, वो बच्चा पढ़ने में लग गया। कुछ महीने गुजरे, जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उस बच्चे ने अपने उस्ताद से दरख्वास्त की, हज़रत बहुत दिन हो गए, मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही है, मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, एक दिन की, मैं वादा करता हूँ कल वापस आ जाऊँगा। वो उस्ताद परेशान हुए, अगर वो इजाज़त देते हैं तो माँ से किया हुआ वादा टूटता है, अगर वो मना करते हैं तो यतीम मासूम बच्चे का दिल टूटता है, करें तो क्या करें। सोचने लगे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर मांगा, अल्लाह मैं क्या करूं, मैं क्या जवाब दूं इस बच्चे की दरख्वास्त का। अल्लाह ताला ने उनके दिलो दिमाग में ख्याल डाला, उन्होंने कहा, बेटा एक काम करो, मैं तुमको सबक देता हूँ, तुम शाम तक वो सबक याद करके मुझे पूरा सुना दोगे तो मैं तुमको छुट्टी दे दूँगा। बच्चा खुश हो गया, उसने सबक लिया, वो अंदर गया और उसने जाकर जो औराक पलटे तो वो समझ गया कि इतना सबक तो शाम तक याद करना नामुमकिन है। उस्ताद ने जानबूझ के इतना सबक दिया था। अब वो बहुत परेशान हुआ,
वापस जाऊं, उस्ताद के पास जाऊं, उनसे कहूं कि सबक कम कर दीजिए, आपने ज़्यादा दे दिया। फिर सोचा ये बेअदबी होगी, तो फिर उसने एक और बात सोची। उसने कहा मैं बचपन से, माँ भी मुझे यही कहती थी, बहुत गौर से सुनना ये बात, बचपन से मुझे माँ भी ये कहती थी कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, और उस्ताद भी रोज़ यही कहते हैं। आज मैं उसका तजर्बा करता हूँ। किताब अलग रखी, दो रकत नमाज पढ़ी और नन्ने मुन्ने हाथ उठाकर अल्लाह से मांगना शुरू किया कि अल्लाह बचपन से माँ यही कहती थी, उस्ताद भी रोज़ यही कहते हैं, आप सब कर सकते हैं, आज आप अपनी कुदरत मुझ यतीम बच्चे की मदद करके दिखा दीजिए, ये सबक शाम तक याद करवा दीजिए। उसके बाद दुआ करके याद करने में लग गया। शाम तक, शाम हुई तो उस्ताद के पास आया, कहा उस्ताद जी सबक सुन लीजिए। उस्ताद को यकीन था कि सबक तो पूरा याद हो ही नहीं सकता। उस्ताद ने कहा सुनाओ बेटा। अब जो बच्चे ने सुनाया तो उस्ताद हैरान रह गए, न कहीं भूला न कहीं अटका, पूरा सबक सुना दिया। उस्ताद समझ गया कि इस बच्चे के साथ अल्लाह का मामला इसकी माँ की दुआओं के तुफैल कुछ और है। उस्ताद ने कहा बहुत अच्छा बेटा, जाओ वादा याद रखना, कल आ जाना। बच्चा चला गया, उस्ताद के हाथ चूमे, दुआएं लियो, चला गया। रास्ते पर उछलता कूदता, गीत गाता, गाने गाता, बहुत बहुत ही खुश खुर्रम गया। घर गया तो घर का दरवाज़ा बंद था। दरवाजे पर आवाज़ दी, एक बार आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं आया। दो बार पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार फिर पुकार कर कहा अम्मी दरवाज़ा खोलिए, तो अंदर से जवाब आई है कौन है दरवाजे पर। तो बाहर से बच्चे ने कहा कि अम्मी मैं आपका बायजीद हूँ, दरवाज़ा खोलिए। तो माँ ने कहा कि कौन बायजीद? ये वाला मेरा बायजीद नहीं हो सकता, मेरा बायजीद तो तब आएगा जब अल्लाह का वली बन जाएगा। उस्ताद ने उसके मुझसे वादा किया था और उस्ताद वादा खिलाफी नहीं कर सकते, ये मेरा बायजीद नहीं हो सकता। समझ गया बच्चा कि माँ की मर्ज़ी नहीं है कि मैं घर के अंदर जाऊँ। वहीं खड़े बहुत देर तक रोता रहा, उसके बाद रोते हुए मदरसे वापस आ गया। उस्ताद के पास हाजिर हुआ, सलाम किया तो उस्ताद हैरान रह गए, क्या हुआ बेटा खैरियत? तो जब बच्चे ने अपनी कहानी सुनाने के लिए चेहरा ऊपर उठाया तो उस्ताद ने देखा कि आँखें बिल्कुल आंसुओं से भरी हुई हैं, चेहरा लाल है। तो उस्ताद ने जल्दी से उठाकर गोद में लिया, अपने अमामे के कोने से बच्चे के आंसू पोंछे। अब बेटा बात क्या, खैरियत तो है क्या, तुम वापस क्यों आ गए? बच्चे ने पूरी कहानी सुनाई और ये कहा कि मैं इस तरह गया था, दरवाज़ा बंद था, ऐसे पुकारा, ये जवाब मिला, ये वाला मेरा बायजीद नहीं हो सकता, वो तो तब आएगा जब वली बन जाएगा। मैं समझ गया मेरी माँ नहीं चाहती, मैं वापस आ गया। उस्ताद ने पूछा बेटा एक बात बताओ, तुम अपनी माँ से नाराज़ तो नहीं होकर आयो? माओ अपने मुकाम को पहचानो, और नौजवानों तुम अपनी माओ के मुकाम को पहचानो, तुम माओ से। तो उसने कहा कि तुम अपनी माँ से नाराज़ होकर तो नहीं आए बेटा? उसने कहा कि हजरत दिल टूटा बहुत है और आंखें बही बहुत हैं, लेकिन मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं समझ गया कि वो मेरा भला चाहती हैं। अब उस्ताद मैं चाहे जितनी ज़िद करूँ आप मुझे छुट्टी मत दीजिएगा, इतनी दरख्वास्त और है कि ये दुआ कर दीजिए कि मेरी माँ काम करते करते बीमार रहने लगी हैं, ज़रा उनकी ज़िंदगी में इतनी बरकत हो जाए कि वो मुझे कुछ बना हुआ देख लें, उनकी तमन्ना पूरी हो जाए, उनकी आँखें ठंडी हो जाएँ। उस्ताद ने कहा बेटा मैं रोज़ ये दुआ मांगूंगा। मैं किस्सा मुख्तसर करते हुए ये बात कहता हूँ और ख़ास तौर पर माओं से कहता हूँ कि 16 साल तक वो बच्चा अपनी माँ के पास नहीं, उसके बाद फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर व कबीरा। एक रात थी, तहज्जुद के वक्त तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के वो उस्ताद ज़रा आराम करने के लिए लेटे तो उनको ज़ियारत हुई रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आपने अपन शेख से उस रोया सालिहा में, उस बाबरकत सच्चे ख्वाब में ये फरमाया कि देखो वो जो जुनेद है, वो जो बायजीद है नौजवान तुम्हारे यहाँ, उसकी तरबियत मुकम्मल हो गई और उसको विलायत कुबरा का झंडा दे दिया गया, अब तुम उसको जाओ बिशारत दो और उसको रुख्सत करो। जल्दी से उठे, उन्होंने वुजू किया और अंदर गए तो देखा कि बायजीद वो नौजवान वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा था, इंतज़ार में वो पीछे बैठ गए। जब उसने सलाम फेरा तो पुकारा, पुकार कर कहा कि बायजीद इधर आओ, सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, अपना अमामा उसके सर पर रख दिया, कहा तुम्हारे
तुमको तुम्हारी तरबियत मुकम्मल हो गई, तुम्हारी माँ की दुआएं और कुर्बानी कबूल हो गई, अब जाओ, अब तुमको यहाँ नहीं रहना, उसकी ज़रूरत नहीं है। नौजवान ने फिर एक बार अपने उस्ताद के कदम बोसी की, उनके बोसे लिए, दुआओं की दरख्वास्त की और रवाना हो गया घर। आज भी दरवाज़ा बंद था, लेकिन आज हुआ ये कि जब उसने आवाज़ दी तो पहली आवाज़ पर माँ ने दौड़ कर दरवाज़ा खोला और देखा कि सामने वो नौजवान तकवे का, सुन्नत और शरीयत का नूर पेशानी से छलकता हुआ। पूछा, माँ बेटा आ गया मेरा लाल? वो जल्दी से गिर पड़ा माँ के कदमों पर, माँ ने उसको उठाया, कलेजे से लगाया, बिस्तर पर ला के बिठाया, कहा कि बेटा बैठो, मैं अभी अभी गर्म दूध तुमको ला के पिलाती हूँ, फिर खाना खिलाऊँगी तुमको, आओ, कब से मैं इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बेटा मैं पहले शुक्र की दो रकत नमाज़ पढ़ लूँ। फटा पुराना बोरिया बिछाया, दो रकत नमाज शुक्र पढ़ी और कहा, अल्लाह मैं इसी दिन के लिए आपसे जीने की तौफीक मांगती थी कि ज़िंदा रखिएगा ताकि मैं देख सकूँ अपने बेटे को, अब आप जब चाहें ईमान के साथ मुझे बुला लें, अब मुझे जीने की कोई तमन्ना नहीं। ये हुआ करती थी औरत, जब ऐसी औरतें होती थीं तो औलादें होती थीं, फिर अबू हनीफा, गज़ाली, बुखारी, ऐसी औरतें होती थीं तो बायजीद बस्तामी पैदा होते थे, ऐसी औरतें होती थीं तो फिर सलाहुद्दीन अयूबी पैदा होते थे, और मैं किस किस का नाम लूँ, हम सब बिगड़ गए हैं। मैं अपनी सिर्फ औरतों का शिकवा करूंगा तो मैं बिल्कुल ज़्यादती करूंगा, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि कितना अच्छा हो कि आज हम आज की इस रात में तौबा करके ज़िंदगी को पलट डालें। नौजवान भी, मर्द भी, औरतें भी, बहुएं भी, बेटियां भी, नई नवेली दुल्हनें भी, बूढ़े भी, सहाफ़ी भी, ताजिर भी, उलमा भी, तलबा भी, मुदर्रिसीन भी, प्रोफेशनल्स भी, एजुकेटेड क्लास भी, इंटेलेक्चुअल्स भी, सब ये महसूस करें कि यकीनन हमसे गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से आज हमको ये दिन देखने पड़ रहे हैं, और उन हम गलतियों को हम बदलना शुरू करें, इंशाअल्लाह हालात उसी रुख पर चले जाएंगे।